हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फंक्शंस का आइडिया होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें कुछ बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था वो आपको उसका कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। तो आपको हम रिकॉल कराते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो आप जानते हो फंक्शन एक इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, जहाँ हम बोल सकते हैं वेयर नो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। जैसे हम अगर लिखते हैं 1 2, और अगर हम फिर लिख देते हैं 1 4, तो फिर ये फंक्शन को डिफाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दो एक ऑर्डर्ड पेयर है और दोनों ऑर्डर्ड पेयर का 1 जो है वो सेम एलिमेंट हो गया, और हमने क्या कहा है, नो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि 4 4 हो जाए, और आई मीन 4 4 हो जाए, 1 4 हो जाए। सो they have same second element, they can have same second element, but they cannot have same first element. तो ये था हमारा basic function का definition, जो हमने इस तरह से पढ़ा है कि function एक point से दो different outputs नहीं दे सकता। ये गलत है, ऐसा function में नहीं होता। हाँ, function में ऐसा हो सकता है कि two different inputs पर outputs हमें सेम मिल जाए, लेकिन एक इनपुट पर दो डिफरेंट आउटपुट्स आ जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे, फंक्शन को हमने डिफाइन किया है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर वन वैल्यू ऑफ x। अगर हम x का कोई पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करते हैं, वी कांट हैव टू वैल्यूज ऑफ y, और आप कह सकते हो एफ एक्स। अगर हम कोई पर्टिकुलर x का एक वैल्यू चूज कर रहे हैं, तो उस पर हमको जो आउटपुट आएगा वो भी कोई पर्टिकुलर ही आना चाहिए, वो डिफरेंट वैल्यूज नहीं दे सकता। तो हम पढ़े हैं फंक्शन, कोई भी फंक्शन का हम इनवर्स कब फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी फंक्शन का हम इनवर्स तभी फाइंड कर सकते हैं जब वो फंक्शन 1 1 भी हो, और साथ ही साथ वो फंक्शन ऑन टू भी हो। और 1 1 और ऑन टू अगर कोई फंक्शन है तो उसे हम बाइजेक्टिव बोलते हैं, तो हमारा फंक्शन वो बाइजेक्टिव कहलाता है। और जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, दैट मीन्स कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल है। और जब जब कोई फंक्शंस इन्वर्टिबल होगा, तभी हम उसका इन्वर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा है कि हमारे पास बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस फंक्शन पढ़ा है, टैन फंक्शन पढ़ा है, सेक पढ़ा है, कॉसेक पढ़ा है, और कॉट पढ़ा है। तो ये डिफरेंट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो हम अब ये पढ़ने जा रहे हैं, ये चेक करने जा रहे हैं कि क्या ये सारे फंक्शंस बाइजेक्टिव हैं। हमें ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शंस 1 1 और ऑन टू को फुलफ़िल करते हैं, क्योंकि जब जब ये 1 1 और ऑन टू को फुलफ़िल करेंगे, तभी हम उसका इन्वर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट अस ट्राई, हम साइन थीटा पे बात करते हैं। तो साइन थीटा का आपने ग्राफ क्लास 11th में हमसे पढ़ा है कि ये हम इसे 0 कंसिडर करते हैं, ये पाई बाई 2, ये पाई, और ये हो जाता है हमारा 3π/2, फिर आ जाता है 2π, एंड द सेम वे फिर इसमें 90 ऐड करते हैं, डेट इज π/2, तो ये हो जाता है 5π/2। बैक साइड जाएंगे तो -π/2, इधर बात करते हैं -π, और आगे बढ़ेंगे तो -3π/2, और इस तरह से ये वैल्यू प्रोसीड कर रहा है। आप जानते हो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और साइन 90 पर वैल्यू 1 आता है। तो हम यहाँ पर 1 कंसिडर कर रहे हैं, और यहाँ पर हम -1 कंसिडर कर रहे हैं।
तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा है। और फिर ये 3π/2 पर -1 हो जाता है, 2π पर 0 हो जाता है, फिर 5π/2 पर ये 1 हो जाता है। तो हमारा ग्राफ इस तरह से प्रोसीड कर रहा है। इसको इस तरह से मैच करना होगा। यस, तो आप ये समझो कि ये हमारा साइन फंक्शन का, हमने साइन फंक्शन का, साइन थीटा का हमने यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट किया। नाउ लेट अस चेक कि ये फंक्शन 1-1 है कि नहीं। तो हम एक थ्योरेटिकल अप्रोच जानते हैं कि किसी भी फंक्शन को 1-1 दिखाने के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं कि f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2)। और अगर यहाँ से ये कंक्लूड हो जाए कि x1 इज इक्वल्स टू x2 है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि यस द फंक्शन इज 1-1। सो लेट अस ट्राई। अगर हम इस जगह से एक डॉटेड प्लॉट करें, तो आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है, इसे अगर हम एंगल x1 कंसिडर कर दें और इसे हम एंगल x2 कंसिडर कर दें, तो देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है, ये हमें ग्राफ फंक्शन साइन x है, तो इसे हम साइन x को fx बोल सकते हैं। तो ये जो है, ये हमें fx1 दे रहा है और ये हमें fx2 दे रहा है। लेकिन fx1 और fx2 दोनों एक ही पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहा है। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर fx1 और fx2 इक्वल है। लेकिन यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो वैल्यू एंगल है, ये 90 से कम है और ये जो एंगल है, ये 90 से ज़्यादा है। दैट मीन्स x1 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू x2। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि दो डिफरेंट पॉइंट पर हमको सेम आउटपुट मिल रहा है। उसी तरह से आप यहाँ भी चेक कर सकते हो कि साइन पाई बाई टू पर हमें 90 ऑप्टेन हो रहा है, द सेम वे साइन 5π/2 पर भी हमें 90 ऑप्टेन हो रहा है। तो आप लिखोगे साइन π/2 इज इक्वल्स टू साइन 5π/2 विच इज इक्वल्स टू 1। वी आर गेटिंग द सेम आंसर दिस, बट वी विल राइट हियर, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि बट π/2 5π/2 के इक्वल नहीं है, हेंस नॉट 1-1। तो हम यहाँ पर क्लियरली बोल सकते हैं कि हमारा जो साइन फंक्शन है वो 1-1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं खुद कि दो डिफरेंट पॉइंट्स पर हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, हमें आउटपुट सेम मिल जा रहे हैं। और जब जब हमें दो डिफरेंट पॉइंट्स पर सेम आउटपुट मिलेगा, हम उसे 1-1 कैसे कह सकते हैं, बिकॉज टू डिफरेंट वैल्यूज आर गिविंग द सेम थिंग। तो डैट मीन्स फिर वो तो मेनी वन हो गया ना, दो डिफरेंट पॉइंट्स पर हमें सेम आउटपुट मिल रहा है, डैट मीन्स वो फंक्शन 1-1 नहीं बल्कि क्या है, मेनी वन है। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग चेक ये करेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू होने के लिए हम क्या चेक करते थे कि हमारे हर कोडोमेन के एवरी एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर साइन थीटा का कोडोमेन क्या है, -1 से 1 है। तो अगर हम -1 से 1 में कहीं से भी अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है, ये भी है और ये भी है, मतलब ये इस दोनों एंगल्स के करस्पॉन्डिंग हमें ये रिजल्ट मिलेगा। अगर हम सेम चीज़ ऊपर से भी प्लॉट करते हैं, तो डैट मीन्स हमें इस एंगल पर के करस्पॉन्डिंग वो इमेज मिलता है। डैट मीन्स कि हर एक इमेज का कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा 1-1 तो नहीं है, बट इट इज़ ऑन टू, वो हमारा ऑन टू है। तो क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि जिस तरह हमने देखा साइन थीटा के बारे में कि साइन थीटा 1-1 नहीं है और ऑन टू है, तो अगर हमारा फंक्शन साइन थीटा 1-1 नहीं है और ऑन टू है, तो ओवरऑल हम देखें तो ये फंक्शन क्या बाइजेक्टिव है, नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। तो जब अब आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है ही नहीं, तो फिर हम उसके इन्वर्स के बारे में स्टडी कैसे करते हैं। तो ये था हमारा पूरा ट्रेलर। तो अब हम लोग बिगिन करते हैं कि हम लोग कैसे उसको फंक्शंस के डोमेन और को डोमेन को हम लोग क्या करेंगे, अब रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और फिर हम उस फंक्शन को खुद से बाइजेक्टिव बनाएंगे, और फिर हम उसके इन्वर्स के बारे में स्टडी करते हैं।
तो यहाँ तक इसको पहले नोट डाउन कर लें। तो यहाँ पर आप नोट करोगे फॉर ऑन टू का प्रूफ लिख दोगे, फॉर ऑल वैल्यूज बिटवीन माइनस वन एंड वन देयर इज corresponding values of x, that means जो sin x का value आता है वो x का कुछ ना कुछ corresponding value है, इनके corresponding कुछ ना कुछ x में value है, जिसको put करने पर sin पर वो result माइनस वन से वन के बीच का result देता है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा function on टू है but bijective नहीं है क्योंकि वो वन वन नहीं है। So if the function is not one one, that is if the function is not bijective, how can we think of its inverse? तो अब हम वही करने वाले हैं, तो इसको पहले नोट डाउन कर ले। So अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। सो हमने क्लास 11th में पढ़ा है फंक्शंस का डोमेन और रेंज, तो हम लोग एक बार उसी चीज़ का रिवीजन कर रहे हैं, शॉर्ट रिवीजन। सो हम लिखने जा रहे हैं डिफरेंट फंक्शंस का डोमेन और फिर उसका रेंज। तो हमारा पहला फंक्शन है साइन फंक्शन। सो साइन थीटा, आप जानते हो कि साइन थीटा में हम यहाँ पर कौन कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो एक ये रियल लाइन है और यहाँ पर हर एक एंगल्स को आप प्लेस कर सकते हो। सो दैट मीन्स कि हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स। अब आपका डाउट होगा कि सर हम लोग एंगल्स तो यहाँ पर वैल्यूज तो एंगल्स में प्लेस करते हैं, तो फिर आप रियल नंबर्स कैसे बोलते हो? तो एक्चुअल में रियल नंबर्स या फिर एंगल इन रेडियन, जो रेडियन जो हम लोग पाई में लिखते हैं वो तो उसको हम लोग एंगल इन रेडियन बोलते हैं। तो ये और रियल नंबर हम लोग सेम चीज़ ही कंसिडर करते हैं। सो साइन थीटा का डोमेन रियल नंबर्स और उसका रेंज क्या होता है? हमेशा माइनस वन से वन के ही बीच में रहता है। द सेम वे कॉस थीटा का ग्राफ भी देखा जाए तो वो भी स्लाइट शिफ्टेड होता है साइन थीटा ग्राफ से, लेकिन उसका भी आउटपुट्स और इनपुट सेम होता है, डेट इज़ वो भी रियल नंबर्स इनपुट कोई सा भी दे सकते हैं और उसका भी आउटपुट माइनस वन से वन के ही बीच में होता है। नाउ द थर्ड इज, अगर हम टैन थीटा का बात करें, सो टैन थीटा आप जानते हो ये होता है हमारा एक्चुअल में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और किसी भी फंक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हम सारे इनपुट्स को लेंगे एक्सेप्ट हम वो सारे इनपुट्स ना लेंगे जहाँ जहाँ पर हमारा कॉस थीटा ज़ीरो आता है। तो आपको रिकॉल करा दें कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि कॉस का वैल्यू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पर ज़ीरो आता है। तो आप लिखोगे रियल नंबर्स माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट टू एन प्लस वन पाई बाई टू वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। जैसे पाई बाई टू अगर आप ज़ीरो प्लेस करते हो तो पाई बाई टू आएगा, वन प्लेस करते हो तो 3 पाई बाई टू आएगा, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, ये सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पर हमारा कॉस थीटा ज़ीरो हो जाता है। तो फिर हम लोग तो साइन थीटा अपॉन ज़ीरो लिखेंगे, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हम वो डोमेन्स में इनपुट नहीं लेंगे। अगर हम बात करें टैन थीटा का रेंज का, तो उसमें सारे के सारे रियल नंबर्स आते हैं। नाउ द सेम थिंग अगर हम लिखते हैं कॉट थीटा, सो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर हम लोग वही बात करेंगे कि हम वो एंगल्स को कंसिडर नहीं करेंगे जहाँ जहाँ पर हमारा साइन थीटा क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जो जो एन पाई है, जैसे पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, तो पाई का मल्टीपल में साइन हमेशा ज़ीरो आता है, इसलिए हम उसे कंसिडर नहीं करते। और इस कॉट थीटा का भी रेंज हमेशा रियल नंबर्स होते हैं। अब हम लोग लिखेंगे सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा। सो सेक थीटा क्या होगा?
sec थीटा एक्चुअल में cos थीटा का ही रेसिप्रोकल होता है। तो जो हमने यहाँ पर मेंशन किया था, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ भी cos है और यहाँ भी cos है, तो हम कोई सा भी इनपुट ले सकते हैं, बट वो जगह का नहीं जहाँ पर cos थीटा हमारा ज़ीरो हो जाए। तो डैट इज़ 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। और इसका अगर हम बात करें रेंज का, तो sec थीटा में हमने याद होगा कि हमने क्या करते थे हम, कि जो cos थीटा का ग्राफ रहता था हम उसी को इन्वर्ट कर दिए थे इस तरीके से। ये हमने क्लास 11th में डील किया है। तो ये जब हम इन्वर्ट कर देते थे तो हम बताए थे कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, डेट इज़ ये 1 है और ये माइनस 1 है, यहाँ पर माइनस 1 है, तो इस बीच का वैल्यू नहीं आ सकता, बाकी ये ऊपर तो पूरा जा सकता है और ये भी सेम वे इधर भी। तो डैट मीन्स कि ये 1 से माइनस 1 का बीच का वैल्यू नहीं दे सकता, लेकिन उसके अलावा हर एक वैल्यूज़ देगा। सो रियल नंबर्स माइनस माइनस 1 से 1। और नेक्स्ट हमारा cosec थीटा। सो cosec थीटा होता है 1 अपॉन sin थीटा। सो यहाँ भी आप वही नोट करोगे, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट साइन वाला, जहाँ जहाँ ज़ीरो होता है नहीं इंक्लूड करेंगे। सो n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। और यहाँ भी वही चीज़ होता है, क्योंकि वो भी cosec थीटा भी एक्चुअली में sin थीटा ग्राफ का रेसिप्रोकल होता है। सो इट इज़ ऑल्सो रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस 1 से 1। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो नाउ वी विल बिगिन फ्रॉम इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। सो सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन f x टू y, और सच डैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू y। हमने एक फंक्शन माना जो x टू y है, तो हम f x इक्वल्स टू y लिख सकते हैं। और इफ़ दिस फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव, अगर फंक्शन ये बाइजेक्टिव होगा, तो फिर देर इज़ अ फंक्शन g विच इज़ फ्रॉम y टू x such that gy is equals to x हो जाता है। और फिर हम कह सकते हैं this implies g is the inverse of f, और फिर हम कह सकते हैं कि वो जो function g है वो f का inverse है। तो that means कि कोई भी function का हम inverse तभी find कर सकते हैं जब वो function क्या हो, bijective हो, that is 1-1 और onto हो, और तभी वो function invertible होता है। और हमने यहाँ पर दिखाया कि फिर यहाँ पर g जो है वो फंक्शन f का इन्वर्स हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि साइन फंक्शन के हम लोग डोमेन या रेंज को कैसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो अब हम लोग इस साइन फंक्शन का सिर्फ हम लोग ज़ीरो से, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पार्ट को ही कंसिडर करेंगे। उससे क्या फ़ायदा है कि हमारा ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि अब हमारा किसी भी डिफरेंट इनपुट्स पर हमें एक यूनिक ही आंसर मिलेगा। अगर आप इस पॉइंट को x1 कंसिडर करते हो, तो इस पॉइंट पर आपको ये आउटपुट मिल रहा है, दैट इज़ जिसे आप fx1 कंसिडर करो। अगर आप x2 यहाँ पर कंसिडर करते हो, तो आपको इसका यूनिक रिज़ल्ट यहाँ मिल रहा है, डेट इज़ fx2। और कभी भी किसी भी दो पॉइंट्स पर आपको सेम आउटपुट नहीं मिलेंगे, दैट मीन्स हमारा फंक्शन अब मेनी वन नहीं, बल्कि यह फंक्शन हमारा 1-1 हो चुका है। और आप देख सकते हो कि किसी भी पॉइंट पर, डैट मीन्स 1 से माइनस 1 के बीच में, हर एक पॉइंट का कोई ना कोई रिस्पेक्टिव प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो दैट इज़ कि ये फंक्शन अब हमारा 1-1 भी हो चुका है और ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी है। तो अब हम लोग इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर चुके हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या हो चुका है, बाइजेक्टिव है।
और जब ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है तो फिर हम लोग इसके इन्वर्स को स्टडी भी कर सकते हैं। तो अब हम फंक्शन को, साइन फंक्शन का डोमेन को क्या लिखेंगे कि हम लोग साइन फंक्शन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, सो डैट कि उसका आउटपुट्स कहाँ से कहाँ के बीच में आए, माइनस वन से वन, क्लोज इंटरवल। सो व्हेन वी राइट साइन एक्स इक्वल्स टू वाई इज बाइजेक्टिव, when we write sin x equals to y is bijective function, then we can say sin inverse, जो हमने वहाँ सिखाया था, sin inverse minus 1 से 1 to minus pi by 2 से pi by 2 से belong करेगा, and we can write sin inverse y is equals to x, और हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स, दैट इज द फंक्शन इज इन्वर्टेबल। तो ये जो रेंज हमने चूज़ किया, ये तो पूरा लंबा चौड़ा था, तो हमने जिस रेंज में हम बात कर रहे हैं उस रेंज को हम प्रिंसिपल रेंज बोलेंगे। सो ये आपका प्रिंसिपल रेंज हो गया, और दूसरा, क्योंकि ये हमारा डोमेन हो गया ना, जो इस पहले साइन फंक्शन का जो रेंज था वो अब साइन इनवर्स का डोमेन हो जाता है, और जो उसका डोमेन था वो अब इसका रेंज हो जाता है। तो ये जिस रेंज में हम बात कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल रेंज। तो इस तरह से हम लोग अब देखते हैं इनवर्स ऑफ कॉस फंक्शन। आप इसे नोट डाउन कर लो, अगर आप कॉस का भी ग्राफ देखोगे तो आप जानते हो कि यहाँ पर ज़ीरो, फिर सेम वे पाई बाई टू, पाई माइनस पाई बाई टू और माइनस पाई, आगे बढ़ते हैं तो थ्री पाई बाई टू, इधर भी माइनस थ्री पाई बाई टू। तो इस तरह से हमारा कॉस का ग्राफ जाता है, कॉस जानते हो ज़ीरो पर वन होता है, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, सेम वे कॉस पाई पर माइनस वन, और ये हमारा ग्राफ इस तरह से जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर हम बात करते हैं, ये पॉइंट एक कंसिडर किया हमने एक्स वन, और यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं एक्स टू, तो ये एक्स वन और एक्स टू हमें अप्रॉक्सीमेटली सेम रिजल्ट दे रहा है। तो इसके थ्रू यहाँ पर जो हमको पॉइंट ऑप्टेन हो रहा है वो है एफ एक्स वन, और इसके थ्रू जो हम ऑप्टेन करेंगे वो है एफ एक्स टू, और यहाँ पर अगेन एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू, बट एक्स वन इज़ नॉट इक्वल्स टू एक्स टू। तो हम बोल सकते हैं कि यह हमारा कॉस फंक्शन भी वन वन नहीं है। तो हमारा कॉस फंक्शन वन वन नहीं है, तो फिर हम यहाँ पर भी इसके भी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो देखते हैं कि इसको रेस्ट्रिक्ट कौन सा डोमेन चूज करेंगे उसके लिए हम। तो यहाँ पर हम कॉस फंक्शन का कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम चूज़ करते हैं ये ज़ीरो, फिर ये बीच का हो जाता है पाई बाई टू, और फिर हमारा हो जाता है पाई। तो फिर इसका ग्राफ बनेगा ज़ीरो से, ज़ीरो पर हम जानते हैं कि इसका वैल्यू वन होता है, तो जब इसे वन कंसिडर कर रहे हैं ये माइनस वन, और ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, हाँ तो ये हमने बना दिया, और ये रेंज दैट मीन्स ज़ीरो से पाई हम लोग इसमें प्रिंसिपल एरियाज सेलेक्ट करेंगे, दैट इज वी विल डील विथ। और आप देख सकते हो कि कोई भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x पर, अगर हम x1 वन इसे चूज़ करते हैं तो हमें एक करस्पॉन्डिंग यूनिक आउटपुट मिल रहा है, अगर हम यहाँ पर x2 चूज़ करते हैं तो इसका अपना एक यूनिक आउटपुट है, दैट इज़ दिस पॉइंट, सॉरी एक्चुअली ग्राफ आपका यहीं पर ऐसे एंड हो जाना चाहिए क्योंकि माइनस वन यहाँ पर है, देखे नहीं,
ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट को चूज़ करते हैं तो हमें करस्पॉन्डिंग fx2 यहाँ पर ऑप्टेन होता है। तो ये चीज़ है, तो आप फिर कॉस का लिखोगे, कॉस 0 से पाई पर आउटपुट क्या देता है, माइनस 1 से 1 के बीच का, जहाँ पर कॉस x इक्वल्स टू वाई इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन है, हमने चेक कर लिया। सो यू विल राइट कॉस इनवर्स माइनस 1 से 1 टू कॉस ज़ीरो से पाई, और ये ज़ीरो से पाई हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल रेंज। तो आप इस सारे चीज़ को नोट करोगे। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वन बाय वन इनवर्स फाइंड करेंगे। तो फिर आपको हर एक इनवर्स का डोमेन और रेंज याद रखना होगा, सो डैट हम लोग क्वेश्चंस बनाने समय फॉर्मूलाज को रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।